आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 38वें बीपीएससी से लेकर 68वें तक के जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उसको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको रेगुलर अपडेट होता रहेगा ताकि हम सभी टॉपिक का कवर कर सकें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का। तो इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी, यानी एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो हम लोग इसको 50 क्वेश्चन एक बार में डिस्कस करेंगे ताकि यह वीडियो लंबा भी नहीं हो सके, आपको पढ़ने में बोरिंग भी नहीं हो। इसके लिए हम सिर्फ जो 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो टॉपिक है, इससे आने वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर इसका है मेहरगढ़। यह जो मेहरगढ़ स्थित है पाकिस्तान में, वर्तमान में अभी स्थित है पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव है, जहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करते हैं मेहरगढ़ के, तो यहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, जो कि वर्तमान में है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कोलडिहवा की, तो यह स्थित है प्रयागराज जिला में, जहां से चावल का साक्ष्य मिला है। तो आप याद रखिएगा, मेहरगढ़ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो सही उत्तर है ताम्रपाषाण युग को हम लोग कहते हैं क्या, कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए कर्णों का प्रचलन मिलता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण युग, या इसको हम लोग कहते हैं कैल्कोलिथिक युग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सही उत्तर है लाल रंग का उपयोग हुआ था। यह जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे हड़प्पा संस्कृति में, इसमें ऊपरी हिस्सों में लाल रंग का प्रयोग होता था और निचले हिस्से में काले रंग का प्रयोग होता था। तो इसमें ऑप्शन है लाल रंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। तो हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था पहले, और इसमें डिजाइन के आधार पर बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो था बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा था चित्रित मृद भांड, यानी यह डिजाइन वाले बर्तन था। जो भी डिजाइन वाले बर्तन थे इसमें ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका उत्तर आप बताइएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में, सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह आद्य ऐतिहासिक काल में यह पड़ता है। और ऐतिहासिक काल का जो निर्धारण किया गया है यह पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया गया है, और लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड को कहते हैं प्रागैतिहासिक कालखंड, इसे कहा जाता है। और भारतीय इतिहास में 2300 BC से लेकर 600 BC का जो कालखंड है इसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड इसे माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लेखन कला का ज्ञान है उसे अभी तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं जा चुका है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक काल के युग में यह पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पक्की ईंट से बनी इमारत भी थी और कला और वास्तुकला भी यहाँ काफी प्रमुख था। तो इसमें दोनों उत्तर हो जाएगा, तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ क्या था, पक्की ईंट से बनी हुई इमारत था, जैसे विशाल स्नानागार या अन्नागार था इसमें प्रमुख। तो इसकी विशेषता में पक्की ईंट भी था और वास्तुकला भी था, दोनों इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल जो था वह मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, और यह क्या था, बंदरगाह था। यह था क्या था, बंदरगाह था। तो आप इसे याद रखिएगा, जो कि यह गुजरात में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, गुजरात में। और हम लोग जान लेते हैं कि और जो स्थान कहाँ स्थित है इसके बारे में, देसलपुर जो है स्थित है गुजरात में,
यह गुजरात में एक गांव है। सौगोरा जो है यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, और कोट दीजी जो स्थित है यह पाकिस्तान में स्थित है। तो आपको हम लोकेशन ही बता दिए हैं कभी कभी, कौन सा जो हड़प्पा शहर है वह किस स्थान पर वर्तमान में स्थित है यह भी पूछा जाता है। तो लोथल है गुजरात में स्थित है, सोगौरा है उत्तर प्रदेश में स्थित, देसरपुर स्थित है गुजरात में, और कोट दीजी स्थित है पाकिस्तान में। तो आप इसे याद रखिएगा। और लोथल का जो खोज किए थे एस एन राव ने की थी लोथल की खोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि लोथल जो था वह हड़प्पा का यह बंदरगाह था। तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल, जो कि स्थित है गुजरात में। और स्थान हम जान लेते हैं कहाँ कहाँ स्थित है यह सब। सिकंदरिया या इसे कहते हैं अलेक्जेंड्रिया, यह स्थित है इजिप्ट में, इजिप्ट यानी मिस्र में यह स्थित है। नागपट्टनम स्थित है तमिलनाडु में, नागपट्टनम स्थित है तमिलनाडु में। और महास्थानगढ़ जो स्थित है बांग्लादेश में, यह स्थित है बांग्लादेश में, महास्थानगढ़। तो आप इसे याद रखिएगा, लोथल जो है था वह हड़प्पा का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा लोथल, लोथल जो है वह गुजरात में है। डाबर कोट जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा जो स्थित है यह राजस्थान में है। राखी गढ़ी जो है यह हरियाणा में है। तो आपको पूछा है क्वेश्चन गुजरात में, तो इसका सही उत्तर है लोथल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है नर्मदा नदी घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म जो प्राप्त हुआ है नर्मदा नदी घाटी से हुआ है, और यह प्राप्त हुआ है हथनौरा से, जो कि स्थित है सीहोर मध्य प्रदेश में। और इसके खोज किए थे अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 ईस्वी में खोज की गई थी प्रथम मानव जीवाश्म की। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका दोनों सही हो जाएगा, गांधार शैली और मथुरा शैली, यह दोनों शैलियों में बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा प्राप्त होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का, जो की बैठी हुई और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि दोनों शैली उसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, और इस समय मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध साम्राज्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और यह मगध के अपितु भारत के महान शासकों में इनकी गिनती होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। और आप समझ सकते हैं कि उस समय जो भारत की सीमा मिलती थी ईरान से, तो आप समझ सकते हैं भारत उस समय कितना बड़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें से कोई उत्तर इसका सही नहीं है। कलिंग विजय का जो वर्णन मिलता है वह 13वें शिलालेख से, अशोक के जो 13वें शिलालेख से मिलता है, या अंग्रेजी में कह सकते हैं 13th rock inscription से मिलता है, यानी 13वें शिलालेख से मिलता है कलिंग विजय का वर्णन। तो इसमें से कोई उत्तर सही नहीं होगा। और इसमें से जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वह चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है, और यह गुफा जो है भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, बनावली से। और यह जो स्थित है बनावली वह हरियाणा में स्थित है, यह स्थित है हरियाणा में। लोथल स्थित है गुजरात में, और कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, और धौलावीरा जो स्थित है गुजरात में है। आपको यह बताते जा रहे हैं कि कौन सा सिटी किस जगह में लोकेशन स्थित है इसका, क्योंकि आपको इससे भी रिविजन होता रहे। तो यह जो है बनावली वह स्थित है कहाँ, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो इस सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। यह जो कालीबंगा स्थित है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहन जोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे?
तो सही उत्तर है वीएस स्मिथ जो यह थे इतिहासकर्ता थे या, इनका संबंध जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से नहीं था, लेकिन जो और है आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स, इनका संबंध था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से। सर्वप्रथम 1921 को दयाराम साहनी जो थे वह हड़प्पा का उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया था और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने की थी। तो इसमें ऑप्शन जो था बी एस स्मिथ का संबंध था, यह इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगज कोई का महत्व इसलिए है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है मैच द कॉलम, मिलान करना है। सूची एक में है नव पाषाणकालीन स्थल है और यह कहाँ स्थित है, इसका राज्य का नाम है। तो उत्तनूर जो स्थित है यह तेलंगाना में। तो ए का हो जाएगा तीन, ए का तीन हो जाएगा तो पहला दो ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट आपको हो जाएगा। चिरांद आप याद रखिएगा यह बिहार में स्थित है। तो बी का चार है तो आपको दो ऑप्शन में ही उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दो देख लेते हम लोग, गुफा कराल जो है यह स्थित है कश्मीर में और चौथा है पय्यमपल्ली, यह स्थित है तमिलनाडु में। ऐसे नाम से ही आपको पता लग जाएगा यह जो पल्ली है यह स्थान यह सब ज्यादा होता है तमिलनाडु में ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है सूची एक है महाजनपद है और महाजनपदों की जो राजधानियां थी, तो मल्लबा जनपद जो है इसका राजधानी कहाँ था। तो सही उत्तर इसका है कुशीनारा, यानी ए का चार हो जाएगा तो पहला से ही आपको मिल जाएगा इसमें। तो हम देख लेते हैं इसका पूरा का उत्तर, ए का हो जाएगा चार, मल्ल जनपद का जो है कुशीनारा, अंग जो महाजनपद था इसका राजधानी कहाँ था कौशाम्बी, यानी बी का तीन हो जाएगा, सी का गांधार का तक्षशिला, सी का एक हो जाएगा और डी जो वत्स था यहाँ चंपा इसका राजधानी था। तो आप इसे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात और बताते चलते हैं कि प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो सही उत्तर है परुषिनी। परुषिनी नदी की बात करें तो यह रावी नदी का यह पुराना नाम था परुषिनी नदी, जहां 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो आप याद रखिएगा परुषिनी। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था। तो इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लोहे के प्रयोग का कोई तिथि इसमें निश्चित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। यह 68वें पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था मगध, मगध ही कहते हैं हम लोग गंगा के दक्षिण क्षेत्र को। तो सही उत्तर है मगध, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए ई ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तक्षशिला कहा जाता है सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था और चोल जो था वह गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील जो कि एक कृत्रिम झील था यानी एक कृत्रिम जलाशय था, इसकी मरम्मत किसने की थी। तो सही उत्तर इसका है रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील का मरम्मत कराया गया था। और इसका जो साक्ष्य मिलता है वह जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है जो कि गुजरात में है स्थित जूनागढ़ अभिलेख। इसमें लिखा हुआ है कि सुदर्शन झील का निर्माण जो कराए थे उनका नाम था रुद्रदामन के द्वारा। अगला है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां जो है किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। तो सही उत्तर है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। एक झांसी के पास स्थित है देवगढ़ का मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है और दूसरा जो है इलाहाबाद के पास है गढ़वा मंदिर जिसमें गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अवशेष के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो सही उत्तर है नौवां मंडल जो है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम जो था यह एक पदार्थ एक तरह का यह मुख्य पेय पदार्थ था, आर्यों का यह मुख्य पेय पदार्थ था जिसका नाम था सोम। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें कुल 10 मंडल हैं, जिसमें कि आप याद रखिएगा नौवां मंडल जो है वह सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का जो नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सोम और इस पे पर नामकृत देवता के नाम पर यह समर्पित है नौवां मंडल, तो आप याद रखिएगा इसको। अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है।
तो सही उत्तर इसका है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में यह लिखा हुआ है गायत्री मंत्र के बारे में, तो आप याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही उत्तर है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और महर्षि कन्नाद जो थे वह इस दर्शन के प्रवर्तक थे, तो सही उत्तर हो जाएगा वैशेषिक। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है कुंडग्राम में। कुंडग्राम जो कि वैशाली के समीप यह पड़ता है, यहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम त्रिशला था और यह वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे और यह ज्ञात्रिक क्षत्रियो संघ के प्रधान थे, तो यह भी याद रखिएगा। अगला है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो सही उत्तर पावापुरी में 527 बीसी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, पावापुरी में लगभग 72 वर्ष में। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली जो थे वह महावीर के प्रथम शिष्य थे और यह जमाली जो थे वह इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, इनके पति थे जामाली जो कि बाद में इनका जाकर प्रथम शिष्य बने थे, तो इसका आप याद रखिएगा भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जामाली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सही उत्तर है 14 पूर्व जो है यह जैन ग्रंथ का सबसे पूर्वकालिक यह जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व, तो आप इसे याद रखिएगा 14 पूर्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही उत्तर है देवी देवताओं की पूजा करना में ही यह दोनों में अंतर आता है, महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म। जो लोग हीनयान संप्रदाय को मानते हैं वह मूर्ति पूजन नहीं करते हैं और जो लोग महायान बौद्ध धर्म को मानते हैं वह मूर्ति पूजन में विश्वास करते हैं और वह बुद्ध भगवान को अपना देवता मानते हैं, तो आप याद रखिएगा इसको। जो लोग हीनयान हैं यह लोग मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, मूर्ति पूजन यह नहीं करते हैं, और जो लोग महायान के हैं यह लोग मूर्ति पूजन करते हैं, यह लोग क्या मूर्ति पूजन करते हैं, यही दोनों में अंतर है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी, इसके बाद यह शिफ्ट कर गए थे सारनाथ, या जो है सारनाथ शिफ्ट कर गए थे जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि पहला उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, तो आप याद रखिएगा इसे। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जो कि काफी फेमस है, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? यहाँ जो है महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु इसका अर्थ है, तो इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में और यह कुशीनगर जो स्थित है उत्तर प्रदेश में है, यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं, तो महात्मा बुद्ध जो थे वह पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, इसके पश्चात वो कहाँ कहाँ गए? कपिलवस्तु गए, राजगिर गए, वैशाली गए और कौशल राज्य गए, जहां सबसे अधिक जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था कौशल राज्य में हुआ था और यहां के जो नरेश थे प्रसेन जीत, उन्होंने बौद्ध धर्म की शिष्यता ग्रहण की थी। और यह कहानी बताया जाता है कि जो भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी, तो जब वह अपना प्रचार करने के लिए मल्लो की राजधानी पावा पहुंचे थे तो वो वहां चुंद नामक एक लोहार थे, उनकी आम्र वाटिका में ठहरे थे, जिन्हें भगवान बुद्ध को सुक्रम दब खाने को कहा था, जिसके कारण उन्हें रक्तातिशार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसके बाद वह कुशीनारा पहुंचे, जहां उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अपना शरीर त्याग कर दिया था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यह जो है एक कहानी आपको मिलता है भगवान बुद्ध के बारे में कि कब कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। अगला है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो सही उत्तर है यह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। यानी जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो इनके उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया था। एक था विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह, और दूसरा था सूत पिटक, जिसमें कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था,
और तीसरा था अभिधम्म पिटक, जहाँ की बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत था। तो यह कुल तीन भागों में संकलित किया गया था, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपिटक। तो आप याद रखिएगा, यह जो है बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म में इन तीन क्रिया को कहते हैं हम लोग तीन रत्न कहते हैं, जैसे कि सटीक ज्ञान, सटीक ज्ञान। दूसरा सच्ची आस्था, सच्ची आस्था। और तीसरा सटीक क्रिया, सटीक क्रिया। इन तीनों को कहते हैं हम लोग त्रिरत्न जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो सही उत्तर इसका है, दोनों में जो समान नहीं है वह है आत्मदमन, आत्म अहिंसा। तो दोनों में है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों धर्म में है, रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति दोनों धर्म में है। लेकिन आत्मदमन जो है यह दोनों, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यह दोनों में अलग अलग है। बौद्ध धर्म जो है यह मध्यम मार्ग का उपदेश दिए हैं गौतम बुद्ध ने, जिसमें कि कठोर साधना एवं काया क्लेश में यह विश्वास नहीं करते हैं। जबकि जो जैन धर्म है वहां कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या एवं शरीर त्याग को आवश्यक बनाया है। अगला है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसमें कहीं कहीं पंचम भी मिलता है, कहीं कहीं षष्टम भी मिलता है। यह दोनों में कंफ्यूजन है, इसलिए यह क्वेश्चन को इनवैलिड घोषित किया था बीपीएससी ने और इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, तो आप इसको पढ़ने नहीं सकते हैं अभी। अगला है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकाओं ने बराबर गुफाओं का उपयोग किया था आश्रय गृह के रूप में, जिसे अशोक जो थे और उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविका जो लोग थे इनके लिए यह आवास बनाया गया था, जिसमें कि कुछ गुफाएं भी बनाई गई थी, जैसे सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ इत्यादि। यह गुफा जो है बराबर में अभी भी मौजूद है। यह बराबर जो स्थित है बिहार में यह स्थित है। अगला है, आजीवक जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर इसका है, मखली गोशाल जो थे वह आजीवक संप्रदाय के यह संस्थापक थे। प्राचीन में जो मखली गोशाल थे वह जैन, महावीर जो जैन थे इनके शिष्य थे। बाद में मतभेद के कारण शिष्यता त्याग करके एक नया अपना संप्रदाय स्थापित किए थे, जिनका नाम था, जो कि आजीवक संप्रदाय कहलाता है, जिसकी आश्रय गृह ही बनाया गया था बराबर में। बराबर में इसका आश्रय गृह बनाया गया था। अगला है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उदयीन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र शहर को बसाया गया था, और पाटलिपुत्र जो शहर यह राजधानी बना था उदयीन के समय ही। यह क्वेश्चन जो है बार बार यह रिपीट हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा, लगभग 3-4 साल में एक बार पूछ लिया गया है। अगला है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो सही उत्तर है, उदयीन के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा, उदयीन के द्वारा ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो सही उत्तर है, उदयीन के द्वारा पाटलिपुत्र जो शहर है इसको बसाया गया था। अगला है, ताम्र पाषाण युगीन स्थल है और यह किन नदियों के किनारे स्थित है? इन दोनों का मैच करना है, तो आहाड़ जो है वह बनास नदी के किनारे है, तो ए का हो जाएगा 4। कायथा जो स्थित है यह काली सिंध नदी के किनारे है, तो 2 का हो जाएगा 3, यानी बी का हो जाएगा 3। स्वालदा जो है वह ताप्ती नदी के किनारे है और मालवा जो है वह नर्मदा नदी के किनारे है, यानी डी का हो जाएगा 2। तो इसमें 2 तो ऑप्शन ऑलरेडी आपको हट गया और 2 है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी आहाड़ जो है बनास नदी के किनारे है, कायथा जो है काली सिंध नदी के किनारे, स्वालदा जो है ताप्ती नदी के किनारे और मालवा जो है नर्मदा नदी के किनारे। अगला है, पाटलिपुत्रा में जो बुलाई गई थी प्रथम जैन संगीति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो थे इसके अध्यक्ष थे प्रथम जैन संगीति के, जो कि 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसी सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, तो प्रथम जैन संगीति जो आयोजन हुआ था इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, तो आप याद रखिएगा। अगला, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो सही उत्तर है, उदयन। यह आपको घुमा फिरा कर कई बार यह क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी,
किसने पाटलिपुत्र शहर को बचाया था? तो सबका उत्तर हो जाएगा उदयन के द्वारा। उदयन जो थे वह हरियंक वंश, या जो थे मगध में जो पहला वंश था हरियंक वंश के शासक थे उदयन, जो कि राजगिरी से अपनी राजधानी स्थानांतरित किए थे पाटलिपुत्र, जिसे और कहा जाता था कुसुमपुर नगर। अगला है, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणराज्य जो था वह वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो सही उत्तर है राजगिरी जो थी वह, या गिरिव्रज जो थी वह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी, जिसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र इसे शिफ्ट किया था। तो जो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था बृहद्रथ वंश, जिसके पहले राजा थे बृहद्रथ, इनके बाद में पुत्र हुए जरासंध, जो कि राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। इसके बाद इनके पुत्र थे बिंबिसार, और इसके बाद इनके पुत्र हुए अजातशत्रु, और इन्हीं के पुत्र थे उदयन। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले थे बृहद्रथ, दूसरे नंबर पे जरासंध, इनके पुत्र हुए बिंबिसार, इनके पुत्र हुए अजातशत्रु, और इन्हीं के पुत्र हुए उदयन। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी कभी यह पूछ देता है। और इसके बाद ही आया था मौर्य वंश। अगला है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो सही उत्तर है जीवक जो थे वह मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक थे, तो आप याद रखिएगा जीवक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा उत्तर। अगला है, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इनके वंश का नाम था हरियंक वंश। हरियंक वंश के यह शासक थे अजात शत्रु। अजात शत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा बिंदुसार और बिंबिसार से, क्योंकि जो बिंदुसार थे वह मौर्य वंश के राजा थे, लेकिन बिंबिसार जो थे वह हरियक वंश के राजा थे। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कभी भी। और इनके पुत्र जो थे उनका नाम था उदयन, और अजात शत्रु जो थे वह राजा बने थे अपने पिता को हत्या करके, और उदयन जो थे वह भी अपने पिता की हत्या किए थे, अजात शत्रु को हत्या करके ही राजगद्दी पर बैठे थे। तो यह जो थे हरियक वंश के बिलोंग करते थे आजाद शत्रु। तो यह कुछ क्वेश्चन था, टॉप 50 जो अभी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं एंशियंट हिस्ट्री से। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगला 50 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपको हम क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे सभी टॉपिक से, जो पिछले ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसको, ताकि आपको एग्जाम के पहले सब रिविजन हो सके। आपको हम इस वीडियो में सिर्फ 50 ही डिस्कस किया है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने से ज्यादा बोरिंग होने लगता है, तो आपको 50 क्वेश्चन ही हम एक दिन में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।